हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टीएस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से, 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1, चैप्टर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5। सार्थक, वंश एंड मानसी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सार्थक रिटायर्स, वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, डिटरमाइन द गेनिंग रेशियो। अब देखिए, यहाँ सार्थक रिटायर हो गया है, सार्थक इज द फर्स्ट पार्टनर, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, 3:2 इनका कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो होना चाहिए था, 3:2, लेकिन हमने चेंज कर दिया है उसे 2:1। तो ऐसे में न्यू रेशियो को हम गेनिंग रेशियो नहीं मान सकते, क्योंकि इनका रेशियो जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो गया है, इसलिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना है, लेट अस सी दिस। और सार्थक रिटायर हो रहा है, सार्थक मतलब फर्स्ट पार्टनर, फर्स्ट पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो बचा हुआ रेशियो है यही वंश और मानसी का रेशियो होना चाहिए था, लेकिन वंश और मानसी का रेशियो अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 2:1। देखिए 3:2 होना चाहिए था, लेकिन 2:1 डिसाइड हुआ है पार्टनर्स के बीच में, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रेशियो कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो नहीं हो सकता, तो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और गेन कौन करता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो अपना पोर्शन सैक्रिफाइस करके जाता है, छोड़ कर जाता है, सैक्रिफाइस कर दिया उसने, और इसी छोड़े हुए पोर्शन को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन करते हैं। सो हम कैलकुलेट करेंगे वंश के लिए, न्यू रेशियो क्या है 2:3, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 3:9। एलसीएम लेंगे 9, देखिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां 6 आ जाएगा, 6-3 इज इक्वल टू 3:9। मतलब वंश ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 3/9 पोर्शन और गेन किया है। उसी तरीके से मानसी के लिए कैलकुलेट करेंगे, मानसी का न्यू रेशियो क्या है 1:3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 2:9। यहां भी एलसीएम 9 आएगा, यहां 9 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो 3-2 दैट इज इक्वल टू 1:9। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 9 है, तो न्यूमरेटर्स को हम रेशियो ले सकते हैं, दैट इज 3:1। सो गेनिंग रेशियो क्या है 3:1। इसका मतलब यह है कि सार्थक के पोर्शन को, सार्थक का पोर्शन कितना है 3:9 है, यहां देखिए 3:9 को वंश और मानसी 3:1 में गेन करेंगे, और इसी रेशियो में गुडविल का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। ये जो पोर्शन आप पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी आपको सेम कैलकुलेशंस करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, चाहे पार्टनर रिटायर हो चाहे पार्टनर की मृत्यु हो जाए, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो वही करना होगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। सो अब जो कुछ भी आप अभी सीख रहे हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6A। WXYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:3, 1:6, 1:3, 1:6 रेस्पेक्टिवली। Y retires and W, X and Z decide to share the profits and losses equally in future. Calculate gaining ratio. ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जिसमें आप एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर्स जो आएगा वो आएगा 2:1:2:1।
सो इस एलसीएम लेकर के न्यूमरेटर्स को आप ले लीजिए तो वही आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई रिटायर्स, वाई। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन हो गए? W इज टू X इज टू Z, ये इक्वली है, मतलब 1:1:1 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फाइन, सो लेट अस कैलकुलेट फॉर W। न्यू रेशियो क्या है? 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है W का? 1/3। देखिए 2/6 आएगा यहाँ, लेकिन है तो वो 1/3 ही, तो आप इसको लिख लीजिए 2/6 लिखिए या 1/3 लिखिए, बात एक ही है। मतलब वाई के चले जाने के बाद जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है उसमें डब्ल्यू को ना सेक्रीफाइस करना पड़ा है ना गेन मिला है। फाइन, उसी तरीके से एक्स का कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो इज 1/3 माइनस 1/6, तो यहां तो गेन हो गया, एलसीएम आएगा 6, 2-1 दैट इज इक्वल टू 1/6, मतलब एक्स ने टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म का 1/6 पोर्शन गेन कर लिया। देन जेड का कैलकुलेट करेंगे, 1/3 माइनस 1/6, एलसीएम आएगा 6, 2-1 दैट इज इक्वल टू 1/6। सो गेनिंग रेशियो क्या हुआ? W इज टू X इज टू जेड, जेड इज इक्वल टू 0:1:1। ठीक, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहीं से होगा, मतलब गेनिंग रेशियो से ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा। इसका मतलब यह है कि जब रिटायरिंग पार्टनर Y को हम गुडविल का पैसा देंगे तो X और Z बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे, जबकि W को गुडविल का पैसा नहीं देना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6B। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस। ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सिक्स्थ बी सॉल्व करेंगे। पार्टनर्स हैं ए बी और सी। सी रिटायर हो गया है और ऐसे में सी के चले जाने के बाद ए और बी का रेशियो होना चाहिए था 4:3, लेकिन गेनिंग रेशियो कुछ और सजेस्टेड है क्वेश्चन में। एज अ रिजल्ट 4:3 हमारा न्यू रेशियो नहीं होगा, क्योंकि ये गेन 4:3 में नहीं कर रहे हैं, किसी और रेशियो में कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो के बारे में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? A:B है, गेनिंग रेशियो किसका होगा? ए और बी का ही होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए टेक्स 4/9 ऑफ सीज पोर्शन। ए कितना ले रहा है? 4/9 ले रहा है। तो बी कितना लेगा? बी लेगा 1-4/9, है कि नहीं, विच इज इक्वल टू 5/9। तो ये क्या हो गया? ए ने ले लिया 4/9 पोर्शन, तो बी ने ले लिया 5/9 पोर्शन, तो इनका गेनिंग रेशियो हो गया 4:5। दिस इज द गेनिंग रेशियो। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितना ए ने गेन किया जितना बी ने गेन किया है ना, तो 4/9 पोर्शन, अगर 4/9 किसका? 4/9 सी के पोर्शन का 4/9। आप ऐसे भी देख लीजिए है ना, 4/9 ऑफ सीज पोर्शन। सी का पोर्शन क्या है? 2/9 इज टू 5/9 ऑफ क्या? 2/9। तो ये 2/9 तो कॉमन है ना, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। आपको रेशियो क्या मिलेगा यहाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर में 81 आ रहा है, देखिए यहाँ 81 आ रहा है। 8:10, 8:10 है क्या? 4:5 ही है। तो ये कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है? सी का पोर्शन है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि ए कितना पोर्शन गेन कर रहा है C कितना पोर्शन गेन कर रहा है, तो यही आपका गेनिंग रेशियो है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। फाइन,
ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो का मतलब है कि कितना गेन किया वो लिखना है हमें, ऐसे 4 और 5, 4 बाई 9 एंड 5 बाई 9 नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है इतना गेन किया इज टू इतना गेन किया, ये वाला पोर्शन लिखना है। तो आप ए का निकालिए, ए के पास कितना था, ए के पास पहले से ही 4 बाई 9 है और उसने कितना गेन किया, देखिए 8 बाई 81 पोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म गेन किया। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 81, फाइन। फिर 4 × 9 करेंगे हम एलसीएम, इसको 81 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये होगा 36 + 8, 44/81, फाइन। उसी तरीके से बी का करेंगे, बी के पास कितना है 3/9 और बी ने गेन कितना किया 10/81, 10/81 ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इतना और मिल गया उसे। एलसीएम आएगा 81, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए सो 27 + 10 दैट इज इक्वल टू 37/81। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 44:37, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कुमार लक्ष्य मनोज एंड नरेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1:4। कुमार रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। नाउ यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुमार के जाने के बाद उसके पोर्शन को लक्ष्य और मनोज ने ले लिया लेकिन नरेश ने नहीं लिया, तो गेनिंग रेशियो में नरेश का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। गेनिंग रेशियो निकलेगा लेकिन किसका निकलेगा, लक्ष्य और मनोज का, और वो क्या है 3:2 है, ये तो गेनिंग रेशियो साफ साफ हमें यहाँ पता चल गया, फाइन। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सो 4 पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 3:2:1:4। कौन रिटायर हो गया, कुमार रिटायर हो गया। कुमार रिटायर्स एंड हिज पोर्शन इज टेकन बाय हु, लक्ष्य और मनोज। लक्ष्य और मनोज ने कुमार के पोर्शन को ले लिया इन द रेशियो 3:2, है ना। कुमार का पोर्शन क्या था, कुमार का पोर्शन था 3/10, यही कुमार का पोर्शन है। वैसे तो इसे तीनों पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, कौन है वो पार्टनर्स कुमार के जाने के बाद, लक्ष्य मनोज और नरेश। एंड नरेश ये 3 पार्टनर हैं, इनको मिलना चाहिए ये जो कुछ भी सेक्रीफाइस किया है कुमार ने, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि इज टेकन बाय, कुमार का पोर्शन इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज। लक्ष्य लक्ष्य और मनोज इन दोनों ने लिया है, कौन से रेशियो में लिया है 3:2, व्हाट इज दैट, या 3:2 में लिया है, इन दोनों ने ले लिया है 3:2 में, और जबकि नरेश ने कुछ भी रिसीव नहीं किया है, फाइन। तो लक्ष्य लक्ष्य ने क्या ले लिया, 3/10 का 3/5 ले लिया और मनोज ने इसी 3/10 का 2/5 ले लिया, मतलब कितना गेन कर लिया इन्होंने, 9/50 और 6/50, जबकि नरेश ने कुछ भी गेन नहीं किया। सो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2:0, ये हो गया गेनिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम निकालेंगे लक्ष्य का, लक्ष्य का निकालिए। लक्ष्य को पहले कितना मिल रहा था 2/10 और उसने गेन कर लिया 9/50, सो एलसीएम आएगा 50, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो 10 + 9 दैट इज इक्वल टू 19/50। फिर है मनोज, मनोज को कितना मिल रहा था, देखिए 1/10 मिल रहा था और मनोज ने गेन किया 6/50, तो एलसीएम आएगा 50, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए
फाइव प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू 11/50। ठीक इसी तरीके से लास्ट पार्टनर नरेश, नरेश को कितना मिल रहा था, 4/10 मिल रहा था, मतलब 40% प्रॉफिट तो नरेश को मिल रहा था। इसको और कुछ प्रॉफिट देना नहीं चाहते पार्टनर्स, तो प्लस जीरो, इसका कुछ भी जीरो, कुछ भी गेन नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी 40% मिल ही रहा है। फाइन, सो इट इज़ हाउ मच, 4/10, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में 50 आ रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए ताकि इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 50 हो जाए। तो ये हो गया 20/50। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 50 आ गया है, तो न्यूमरेटर्स के जो नंबर हैं वो क्या है, 19:11:20। दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। और अभी भी नरेश को 40% मिल रहा है प्रॉफिट में से। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।